सेंटर लुक प्लीज राइट लुक यस कौन मंगवा दे हाँ मारो ना भाई मारो ना मारो मारो रुकाऊंगा मैं टेंशन मत लो एक्सक्यूज मी नो भाई नो या यू लुकिंग यू आर ऑलवेज इन ट्रैफिक दैट्स व्हाट आई सी ऑन एक्सक्यूज मी हो गया मैम आपका लेफ्ट
पूछेंगे मुझसे तो बहुत एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली बड़ा एक्साइटमेंट है हम लोगों के बीच में आई एम जस्ट सो इट्स बिन अ वाइल बहुत टाइम गया और हमने बहुत मेहनत किया और अभी फाइनली कॉमेडी सर्कस आ रहा है तो मतलब मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रहा है और बहुत एक्साइटिंग फील आ रहा है कि आई कैन नॉट वेट फॉर द स्क्रीनिंग और नहीं ये मतलब वेट नहीं कर सकती हूँ कि मैं देखूँगी लोगों का रिएक्शन क्या होगा कॉमेडी सर्कस का क्योंकि मेरे हिसाब से कॉमेडी सर्कस का नया सीज़न इसमें बहुत नई चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड फैसिनेटिंग चीज़ है तो मतलब आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आपको भी कॉमेडी करते हुए देखेंगे या क्या एक बार बताइए मतलब आप बीच में कॉमेडी करोगे या फिर मैं थोड़ा कॉमेडी करूँगी मतलब जो भी लिंक्स है मेरे तो मैं थोड़ा कॉमेडी करूँगी इसमें वो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा जो भी कॉमेडी मैं करूँगी ऑब्वियसली मैं एक एंकर हूँ तो मैं मतलब कॉमेडियंस के हिसाब से यू नो दे आर डूइंग मोस्ट ऑफ द कॉमेडी पर मैं थोड़ा सा कुछ मेरी तरफ से भी होगा थैंक यू एक्साइटेड ये तो मेरा पहला बार है तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड और कॉमेडी इज़ नॉट माई फोर्टे तो मैंने मुबीन सिद्धार्थ बलराज से इतना कुछ सीखा है एंड आई एम सो एक्साइटेड आई होप एवरीबडी लाइक्स द शो एंड एवरीबडी इन्जॉयज द शो आई मीन इट्स कम आफ्टर सो लॉन्ग बट आई एम श्योर एवरी वन इज़ गोना लव इट लाइक आई नो एवरीबडी हु नोज अबाउट द शो इज़ सो एक्साइटेड टू वॉच इट सो आई जस्ट आई होप इट वर्क्स the thing is when I had gone to audition for this thing I wasn't very sure if I want to do this because it's so difficult because each time each act you have to play a different person and so every time I have played a Marathi woman I've played a Gujarati person I have played a British person so I think it's so good for an actor to be on comedy circus and go on stage being a different person each day I think it's wonderful for an actor to get paid and learn so I think I'm getting to learn so much and I'm getting paid for it so and I'm getting to laugh every day I go on set or for rehearsals all I do is rehearse and laugh so I think it's just a treat for me anything new for me I think it's just something that I haven't done before comedy so I'm a bit nervous about my comic bit but otherwise I think it's fun and I'm not really nervous Sohail and Archana oh they're wonderful you know I think Sohail Khan is somebody you know even if sometimes I don't perform that well I feel but he you know always you know pumps you up by saying Karishma aapne bahut acha kiya hai so you know I think as judges if you have people who kind of encourage you every time it really helps and Archana ma'am I think whenever she laughs you know when you're acting you just know that you know in the corner of your eye you know she's like laughing and I think that just does it for you because her laughter is just everything for us thank you so much thank you I wanted to डेफिनेटली कॉमेडी सर्कस को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एट कॉमेडी
मेरी ऑडियंस ने मुझे कभी ये करते हुए नहीं देखा है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने व्यूअर्स को कुछ डिफरेंट करके दिखा रही हूँ. एंड कॉमेडी सर्कस खुद एक इतना बड़ा ब्रांड है एंड 6 साल ये शो लगातार चला है. आज इतने सालों के बाद वापस आ रहा है ये शो, तो हम सब के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है और डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है टू डू समथिंग डिफरेंट. ऑफकोर्स दोनों जजेस मेरे फेवरेट है, बट आई डू लाइक अर्चना पुरन सिंह. मैंने उनके साथ कुछ कुछ होता है मैं काम किया था, सो आई हैव आई एम बायस्ड टुवर्ड्स हर. मेरी डेफिनेटली हमने बहुत रिहर्सल किया है एंड ये शो में बहुत नई चीज़ें करने को मिल रहा है. हर एपिसोड हर स्किट में एक नया अवतार है. तो आपने हमेशा देखा है दैट यू नो इट्स ऑलवेज लाइक यहाँ पे गांव वाली, यू नो सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स टू प्ले, मॉडल्स एंड एवरीथिंग. वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन द शो. ऑलरेडी हमने इतना कुछ कर दिया है तो बहुत सारे नए अवतार भी देखने को मिलेंगे. ऑफकोर्स ये प्रेशर हम सब फील करते हैं बिकॉज यू नो द बेस्ट कॉमेडियंस हैव कम आउट ऑफ कॉमेडी सर्कस. हम सब कपिल भारती इन सबको देख के हमने यू नो कॉमेडी को इतना इन्जॉय किया है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ प्रेशर टू परफॉर्म. लेकिन हमने भी बहुत मेहनत की है. हम चाहते हैं हम अपने ऑडियंस को नए बैच ऑफ कॉमेडियंस भी दें एंड आई एम श्योर आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा दैट वी आर नॉट मैचिंग अप टू देयर लेवल. थैंक यू. नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि कॉमेडी सर्कस ही एक ऐसा शो है जिससे मैंने अपनी शुरुआत की थी कॉमेडी सर्कस के जुबे, और इसी शो की वजह से हमें इतना नाम मिला है और आज वापस ये शो आ रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की. और जिस तरह से हमने जो शूट किया है वो कमाल का अभी तक शूट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग इसको जितना पहले लोगों ने प्यार दिया है उससे ज़्यादा प्यार इस शो को इस बार दोबारा देंगे. इस बार यूनिक ये है कि मैं और सिद्धार्थ हम दोनों की जोड़ी है, जिसमें से सिद्धार्थ आपको हमेशा पागलपन करता हुआ नज़र आएगा जो कि आप जानते हैं वो है थोड़ा सा, लेकिन वही पागलपन जो है उसके अंदर कॉमेडी को लेके एक्टिंग को लेके वो करता हुआ दिखाई देगा और मैं उसको संभालता हुआ दिखाई दूंगा क्योंकि फिजिकल कॉमेडी सिद्धार्थ बहुत अच्छी करता है और मैं उसे संभालता हुआ दिखूँगा आपको. आप कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल कॉमेडी होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. जी जी अभी हमने जैसे मैं मुर्गा भी बना हूँ और संजू का स्पूफ किया हमने, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर संजू की जगह मैं होता, मुबीन होता तो क्या होता. तो इस तरह का हमने कुछ करने की कोशिश की है और ये उसमें जो मतलब संजू के पापा वो ये बने हैं और संजू का जो दोस्त है कमली वो ये सिद्धार्थ बना है, तो वो एक अलग तरह का आपको दिखेगा कि उसको एडिक्शन चुटकुले सुनाने का है. मुबीन को वो चुटकुले सुनाने का एडिक्शन है, वो छोड़ना चाहता है. सिद्धार्थ उसको समझा रहा है कि छूट जाएगा छूट जाएगा. बहुत मज़ा आएगा आपको उसको. तो मेरा तो वापसी है तो मेरा कम बैक है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत अच्छा दिन है. तो मैं जैसे पहले भी लोगों ने प्यार किया है और बहुत सी मुश्किलों में सपोर्ट किया है मीडिया ने, सभी लोगों ने, तो मैं यही चाहूँगा कि जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा अपना कमिटमेंट पूरा करने की कि मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगा. मैं सिद्धार्थ को मतलब बहुत पहले से जानता हूँ, जब मेरे ख्याल से सिद्धार्थ कितने 13 साल का था तब से मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ, तब से मैं अभी तक सिद्धार्थ को देख रहा हूँ और जो इस बार सिद्धार्थ कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है कि मतलब आप लोग खुद देखेंगे. और हम दोनों की जोड़ी साथ में, हम लोगों ने पहले भी कॉमेडी सर्कस में 2-3 ही एक्ट साथ में किए लेकिन इतना प्यार लोगों को मिला है लाइव शोज के लिए, लोग हमें साथ में बुलाते थे. अब इस बार तो जोड़ी हमारी परमानेंट बन गई है, करिश्मा शर्मा हमारे साथ है और जो धमाल सिद्धार्थ कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है और बहुत ही अच्छा कमबैक है सिद्धार्थ. पहले भी मुबीन में और हम लोगों ने काम किया है साथ में और जब जब किया है तब तब स्टैंडिंग ओवेशन ही मिल गया है. तो इस बार कम से कम हम लोगों ने अभी 8 एपिसोड शूट कर लिए हैं और बहुत कमाल हो रहे हैं और मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में. मैं मौसिया कैरेक्टर तो होगा ही होगा और नसीर साहब इखलाक अहमद मोहम्मद शहीद खुशी लाला वो भी होगा साहब,
और बाकी और सारे कैरेक्टर्स हैं जो मम्मी मैंने भी आपको थोड़ा सा बता ही दिया। संजू आ रही है जो भाई संजय दत्त बने, भाई थोड़ा संजय दत्त प्लीज है इतना क्लोज चले भाई चल भाई बोले बोले तो बाबूजी मेरे को ना चुटकुले सुनाने का नशा हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करूं। अच्छा मेरे को बताओ ना प्लीज़, एक सुन लो ना सुन लो, ये जो नील आर्म स्ट्रांग था वो जब चांद पे गया तो उसकी वाइफ ने सफ़ेद साड़ी पहनी काय को, क्योंकि उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया था। ऐसे गंदे पीजे भी सुनाए हमने कभी। हाँ। एडिक्शन जो है वो गंदे पीजे सुनाने का ही है। बट ये कि मेरा बहुत पहले भी मन था और हम लोगों ने पहले भी कभी बात की थी कि हम लोग भाई जोड़ी में होने चाहिए थे, कि हमारी जोड़ी बननी चाहिए और ये सीजन में आते हैं। हमें पहली खबर मिली कि मुबीन भाई के साथ हमारी आप एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए देखेंगे। एक्ट में भी हम लोग जो वहाँ जब हम बैठे होते हैं तो जो हमारे ऊपर पंच मार रहे हैं हम वहाँ से उनको जवाब दे देते हैं, कभी जब हम होते हैं हम उन पर पंच मार रहे हैं वो हमें वहाँ से जवाब दे देते हैं और सारी जोड़ी भी आपको मिलेगी। और जितने भी आर्टिस्ट हैं नए जो आए हैं वो सब इतने कमाल हैं, इतने बेहतरीन हैं, उनकी सबकी अपनी USP है, अपना तरीका है कॉमेडी को करने का, उनका अपना एक स्टाइल है। जैसे कि पारितोष बहुत अलग करता है और पारितोष है, गौरव की अलग फिजिकल ह्यूमर है, बलराज है, ये लोग सबकी अपने अलग USP है। और मैं जानता हूँ कि ये शो इन लोगों के आने से और चार चांद लगे। थोड़ा सा आप कहेंगे ये, मैं यही कहूँगा कि जजेस अर्चना जी और सोहेल भाई ने हमें पहले भी जज किया, उनके जो कमेंट होते हैं वो हमें ना और अच्छा करने के लिए मजबूर करते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं कंटिन्यू शूट करके, कभी कभी चीज़ें वैसे नहीं हो पाती जैसे हमने सोचा है, तो उस वक्त भी सोहेल भाई अर्चना जी हमें जिस तरह से मोटिवेट करने के लिए जो बातें कहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार इतने समय नहीं, और अच्छा करो और अच्छा करो। हाँ हर बार इनके कमेंट्स हमें लोग को ये इस बात पर मजबूर करते हैं कि हम और अच्छा अपने कंपटीशन को हम मतलब हम ही अपने आप को ही अपना कंपटीशन मानते हैं, हमारा अपने आप से कंपटीशन है। और उनकी बातें सबसे अच्छी बात है कि जैसे अर्चना जी सोहेल भाई को बहुत अच्छी ह्यूमर की समझ है, बारीक से बारीक पंच लाइन जो होती है, जो कि कई लोग सोचते हैं अच्छा क्या अच्छा ये, उतना टाइम भी नहीं लगता अर्चना जी को, तुरंत हम बोलते हैं और वो समझ जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो और मेरा तो वापस आना ऐसा ही था कि लगा परिवार में आ गया हूँ मैं वापस अपने। बाकी ऑडियंस से कॉमेडी सर्कस देखना जरूर है, शनिवार रविवार रात 9:30 बजे, जो नहीं देखेगा उसके होगा बाल तोड़, और कहाँ होगा मैं बताऊंगी नहीं। हट मत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबको बारी बारी बीच बीच में देखता रहूँगा। चलिए एक्साइटमेंट तो आपको दिख ही रही होगी और नर्वस आपको महसूस हो रही होगी। एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ब्रांड है और जब एक बहुत बड़ा ब्रांड आपके कंधों पर रख दिया जाता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस ब्रांड को उसकी रेपुटेशन के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करना, और जिम्मेदारी बहुत है और हमने मेहनत भी बहुत करी है। लगभग हम लोग 3 महीने से सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसके कॉन्टेंट पर काम कर रहे हैं, इसकी रिहर्सल्स कर रहे हैं, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए और लोगों को क्या पसंद आएगा, तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और वही होता है सर, जब रिज़ल्ट आने वाला होता है ना, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो वीज़ा का हो, चाहे वो शो का हो, हर आदमी थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस रहता ही है। वो कॉकटेल ज़िंदगी में कभी जाएगी नहीं, वो बटरफ्लाई जो आपके स्टमक में जो होते हैं ना वो रहेंगे रहेंगे। इस बार नया ये देखने को मिलेगा जो मैंने पहले भी बोला कि नए चेहरे हैं इस बार, बहुत सारे नए चेहरे हैं। मैं मुबीन और सिद्धार्थ हम लोग पुराने हैं, हम सर्कस का सीज़न पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बाकी तकरीबन सब लोग नए हैं। जब आप नए लोगों को देखते हो तो एटलीस्ट एक ये होता है कि आप उनको कंपेयर नहीं करते किसी के साथ, लोग हमें बोल सकते हैं कि यार पिछले सीज़न में तुम ऐसे थे इस सीज़न में ऐसे हो। नए लोगों से फ्रेशनेस आती है और नए लोगों से ह्यूमर नया आता है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ये किया नहीं है तो हमारे पास उनके आसपास खेलने के लिए कॉन्टेंट ज़्यादा रहता है। तो नया ये देखने को मिलेगा कि नए लोग हैं और नए लोगों के साथ हम लोग नया ह्यूमर लेके आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पुरानी रहेगी, वो रहेगा एंटरटेनमेंट, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा और उस पर हम लोग, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसमें कुछ नया करने की कोशिश नहीं है। ह्यूमर एंटरटेनमेंट वो पुराना ही है, बस हम नए हैं। पिछली बार मैं बिना दाढ़ी के था, इस बार दाढ़ी के साथ हूँ, 4 साल छोटा था 4 साल बड़ा हो गया हूँ, ये चीज़ें नई ऐड ऑन हो गई हैं कॉमेडी सर्कस इस सीज़न में। देखो शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत आती, क्योंकि आप लोगों को
एक दूसरे की टाइमिंग समझने में टाइम लगता है, लेकिन मैंने दिव्यांश से पहले भी काम किया हुआ है। दिव्यांश मैं अभी ऐसे करूँगा तो ये कैमरा में दिखेगा नहीं, छोटा सा दिव्यांश जो मेरे साथ पुराने शोज में था वो मेरी टीम में है, अदिति है मेरी टीम में, तो अदिति के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। जिनको बाकियों को आई होगी वो आपको बता के गए होंगे डेफिनेटली जब यहाँ से निकले होंगे, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे दो बच्चे मेरे को दे गया कोई मेरा पड़ोसी के, बेटा ये देख लेना हम नानी के घर जा रहे हैं, अभी ये तुम्हारे वाले हैं। तो मैं तो बेबी सिटिंग कर रहा हूँ शो पे, और जब जब टाइम मिलता फिर कॉमेडी भी कर लेते हैं। जजेस ने कितना एनकरेज किया सोहेल और अर्चना? ऑब्वियसली अर्चना तो मेरे को लगता है इनके बारे में तो पूछना ही नहीं चाहिए। अर्चना तो एक चैनल पर बैठ के इनकरेज करती है, उनकी आवाज़ दूसरे चैनल तक पहुँच जाती है, तो शी इज़ ऑलवेज बीन देयर। मुझे लगता है कॉमेडी सर्कस अगर आप इमेजिन करते हो तो विदाउट अर्चना इमेजिन कर ही नहीं सकते। वो दैट लाफ्टर और एनर्जी, वो आई थिंक इट कम्स विद द कॉम्बो। सुहेल भाई एज यूजल हमेशा ही बहुत इनकरेज करते हैं, और इन दोनों के सेट पे ना होने से ऐसे लगता है जैसे हम लोग कहीं मातम मनाने हैं, शूट करने नहीं आए। तो ये दोनों हमारे शो की बैकबोन है, जान है, सोल है। कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन इन दोनों के रहने से ही शो बनता है। तो वो इनकरेजमेंट आप मैं वर्ड्स में कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आप जब शो देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि लोग कितना इनकरेज करते हैं। तो आपके साथ पार्टनर कौन है? मेरे साथ दिव्यांश, कैसे बताऊँ, मेरे साथ दिव्यांश है और मेरे साथ अदिति है। वो एक 11 साल का एक 18 साल की, उन दोनों की टोटल एज भी मिला दे तो मैं तब भी एक दो साल बड़ा हूँ उनसे। तो दिव्यांश के साथ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके साथ दोबारा टीम अप करके, और अदिति के साथ भी मैंने काम किया। तो ये दोनों मेरे पार्टनर हैं, हमारी ढाई की तिकड़ी है बेसिकली, तीन पूरे नहीं हैं, और बड़ा मज़ा आया काम करके उनके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक दो तीन चार, हाँ जी, हाय, बहुत बहुत ज़्यादा, जितने एक्साइटेड आप लोग हैं उससे ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि ये कॉमेडी सर्कस 5 साल बाद आ रहा है, और जो हमारी टीम है और उन्होंने बहुत मेहनत की है शो के लिए, और जो पहले लोग करके जा चुके हैं और हम उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और बकरा करने का मजा ही अलग होता है। कैसे भाई, तू अपने फुटेज का? अरे नहीं नहीं नहीं, फुटेज दो, पूरी फुटेज दो। अरे नहीं नहीं नहीं, और बलराज भाई जैसे बहुत अच्छा स्टैंड अप करते हैं, और हम लोग को चांस मिला एक साथ काम करने का, और हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कॉमेडी हो रही है, और टीम जो है वो बहुत प्यारी है। ये अलग आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और ये बहुत अलग भी है, क्योंकि मैं सिटकॉम से आया हूँ, सजेंद्र से मैं सिटकॉम से इधर आया हूँ, और इसके पहले मैं इसी शो का राइटर भी था, कॉमेडी सर्कस का मैं राइटर था, और मेरे को चांस मिला करने का। हाँ जी, ओके, ये शो का मैं राइटर था और मेरे को मौका मिला है कि परफॉर्म करने का, तो और आई होप कि सबको पसंद आए। नहीं, लिखना भी डिफिकल्टी और परफॉर्म करना और ज़्यादा है, बिकॉज आप स्टेज पे जाते हो आपको लगता है कि आप भूल ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए रिहर्स करना, हमारे को आर्टिस्ट का रिहर्स करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी चीज़ के लिए। मेरे साथ सना सईद है, कुछ कुछ होता कि गर्ल, और अभिलाष आर जी अभिलाष है, तो हम लोग साथ में ट्राय आ रहे हैं, और मिस्टर कृष्ण हमारी जोड़ी बहुत प्यारी है, और हमने एक्स बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एक्सपीरियंस ये रहा कि हम एक्ट करते करते कभी इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि हम आउट ऑफ द कंटेंट जाते थे, कि बिकॉज किसी के दिमाग से कोई लाइन स्लिप हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि किसकी लाइन क्या होगी, और फिर हम उसको ऐसा मैनेज करते हैं कि ऑडियंस को पता भी नहीं चले कि हम कैसा कहाँ पे भूलें कहाँ पे नहीं, बट मज़ा बहुत आता हमारे तीनों आर्टिस्टों में हमारे साथ। मैं ऑडियंस के बोलना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितना प्यार आपने इससे पहले कॉमेडी सर्कस को दिया है उससे ज़्यादा हम दोनों को प्यार, हम सभी को प्यार दें, और देखते रहें कॉमेडी सर्कस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड नर्वस तो ऑफकोर्स हम सभी हैं, बिकॉज सॉरी नर्वस तो ऑफकोर्स हम सभी हैं, बिकॉज बहुत बड़ा एक प्रेशर भी है, कॉमेडी सर्कस इतना बड़ा ब्रांड है इटसेल्फ, एंड इतने सारे सीजन हुए हैं कॉमेडी सर्कस के, जो कि ना सिर्फ मैंने सबने फॉलो किया है, एंड पूरे इंडिया को जिसने हंसाया है अब हम उसका पार्ट हैं, सो वी रियली हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर शोल्डर्स, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट वी यू नो वी रीच अप टू द एक्सपेक्टेशंस।
आई थिंक कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एन एक्टर कैन डू, बिकॉज हंसाना हमें लगता है कि बहुत ईजी होता है, बहुत एफर्टलेसली बोल देते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई मीन कॉमेडी जितना मुझे समझ में आया है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमिंग, डिलीवरी एंड अभी मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, पर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग यार. And I'm just on the path of learning it, and it's too much fun. मतलब ऐसे लगता है set पे आके कि हाँ मैं मजे करने आई हूँ. So मैं बलराज भैया के साथ हूँ और दिव्यांश के साथ हूँ. हमारा तो मतलब बड़ी weird और बड़ी cute सी team है, and I think मतलब हमारी team हमेशा, आप जब देखोगे ना आपको लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग हमेशा बहुत different different characters के साथ आते हैं. And mostly I'm paired up with Divyansh. So we both are the couple. So when we enter, it's like a weird thing altogether. And yeah, I think it's a, not only us, the whole team is superb. I mean, comedy circus, मैंने बचपन से, अभी भी बचपन ही चल रहा है, but मैंने पहले से follow किया है. And अब मैं उसका part हूँ, तो विश्वास नहीं होता है कि you know, same judges, same stage, like I am doing it. जो Saturday Sunday खाना खाते थे मैं और मम्मी देखते थे, अब मैं उसके part हूँ. So it's a goosebumps वाली feeling है. नहीं नहीं टेंशन तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वो कॉमेडी नाइट्स बचाओ मैंने किया था, उधर भी सुदेश जी एंड कृष्णा भैया वो माय पार्टनर्स, अगेन द धुरंधर्स ऑफ कॉमेडी. दिस टाइम ऑल्सो दिव्यांश एंड बलराज भैया धुरंधर्स ऑफ कॉमेडी, तो मैं तो बड़ी रिलैक्स्ड हूँ यार, वो लोग संभाल लेंगे. या बहुत, अरे सपोर्टिव, मेरे पीछे पे हंसते हैं वो लोग यार, बहुत सपोर्टिव है वो लोग. आई थिंक दे आर वेरी 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 स्वीट, दे हैव ऑलवेज बीन लाइक अरे वेरी नाइस. मतलब कमेंट्स के बाद भी दे हैव कम एंड सेड कि यू नो इट वाज वेरी नाइस, एंड दे हैव ऑलवेज करेक्टेड ऑल ऑफ अस कि यहाँ आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए. सो आई थिंक दे आर वेरी 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 नाइस एंड सपोर्टिव. एंड मतलब मैंने तो पहले देखा हुआ है कॉमेडी सर्कस, तो ऐसा लगता है कि ओ शिट, मतलब ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं. बहुत ही बहुत बहुत सही वाली फीलिंग है. प्लीज़ 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 हमारा शो देखिए, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, एंड आई होप यू ऑल लाइक इट, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आ रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो प्लीज़ डू वॉच इट, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम वॉचिंग. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता रहा हूँ सबको कि सुहागरात वाली फीलिंग है. हाँ, कि नर्वस भी और एक्साइटेड भी, कि मतलब पता नहीं क्या होगा पर कुछ अच्छा ही होगा, तो होप जो अच्छा हो वो पंच के रूप में जन्मे. कॉमेडी कॉमेडी के रूप में जन्मे, और कॉमेडी की बहुत ज़रूरत है देश में, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहाँ दुख है, कहीं सड़कों पे जाएं तो वहाँ दुख है, कहीं खरीदने जाएं तो वहाँ दुख है, तो इस बीच में कॉमेडी का होना बहुत ज़रूरी है. मेरी थोड़ी भी नहीं हुई है. तुम चांद क्यों नहीं बन जाती हो ईद में जाके छुट्टी लेके? बहुत अच्छी लग रही हो. हाँ, ये आदित्य भाटिया हैं, ये परितोष भाटिया हैं. देखिए अभी आप सोच लीजिए क्या होने वाला है कॉमेडी सर्कस में, सो यू विल हैव टू वॉच इट, एंड इट इज अमेजिंग. आप आते हैं सुहागरात की बात करते हैं. हाँ, और ये सुनते ही आ गई. यार ये दूसरे टीम में हैं, तो इन पे हम लोग पंच नहीं मार सकते और ना लाइन मार सकते हैं. नहीं नहीं, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सोनी के साथ ही मेरा हर रूप निकल गया है. मैं क्राइम पेट्रोल करता था पहले, फिर मैं सुपर डांसर का हिस्सा बना, फिर मैं इंडियन आइडल का हिस्सा बना, फिर मैं अभी कॉमेडी सर्कस कर रहा हूँ. तो मैं बात कर रहा हूँ कि सी आई डी वाई डी और एक जो जो शो बच गए हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाए मेरा. सॉरी, थ्री सेवेंटी सेवन का रूप, मतलब हाँ, अब मुझे लगता है, मुझे लगता है वो जो रूप है वो बहुत प्यारा रूप है, क्योंकि प्यार करना बहुत बड़ी चीज़ है, और हिम्मत करके प्यार करना बहुत बड़ी चीज़ है. प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं. तो किसी के सेंटिमेंट का हम मजाक नहीं उड़ाना चाहते, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉमेडी वो है जो गुदगुदाए, चूटी ना काटे, पिंच ना करे. डेफिनेटली आएगा, मामा के रूप में ही मेरी पहचान है. मेरी तो मम्मी भी मामा ही कहती है मैसेज करके, मामा जी कहाँ रह गए. तो मामा जी आएंगे पहले, उसके बाद मेरे और भी तरह तरह के रूप आएंगे. चूँकि मैं थिएटर से हूँ, तो मेरी तैयारी, मेरी परवरिश वैसी हुई है कि मैं अलग अलग किरदार करना पसंद करता हूँ, तो बहुत सारे रूप आएंगे. आपकी दोस्त के बारे में बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत
बहुत बहुत कमाल है, दो दो लड़कियां हैं मेरे साथ। अनीता हसनंदानी जी हैं, वो अभी आई नहीं हैं, पर उन्होंने अपना विश भेजा है हमें कि विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग लाइव भी है कहीं। हेलो गाइज, हेलो हेलो हेलो, आज रात 9:30 बजे हंसी फट के आने वाली है, और TRP मामा कह रहे हैं कि TRP भी फट के आने वाली है। अनीता हसनंदानी मेरे साथ हैं, और ओजस्वी अरोड़ा हैं, दोनों टेलीविज़न की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अनीता जी को तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत हिट शो दे रही हैं, आजकल वो TRP की दुकान हुई हैं और हम TRP मामा, तो होपफुली बहुत अच्छा वर्क होने वाला है। ओजस्वी बहुत प्यारी हैं, लाइन नहीं भूलती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। पवित्रा है, ओह माय गॉड, ओजस्वी बहुत प्यारी हैं, बहुत मेहनती हैं, और ये लोग दोनों लाइनें नहीं भूलती हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। मतलब मैं परफॉर्म करके जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ, आज भी नहीं भूली। वाह, ऑडियंस को सब आपके हाथ में है, हमने अपना काम कर दिया है। आई होप, आई विश आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और हर तरह के रंग देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग तरह के एक्टर हैं, अलग अलग मूड के एक्टर हैं, अलग अलग तरह की कॉमेडी है, तो आपको पूरा अलग अलग फ्लेवर मिलने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, दोस्तिनियों को बुलाइए, और मज़ा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही बैठा, मुझे तारीफ ही करनी पड़ेगी। वेल, एक्चुअली मुझे पहले से ही हमेशा कॉमेडी शोज का बहुत शौक था, और मैं फिलहाल जो कर रही हूँ वो भी एक कॉमेडी शो ही कर रही हूँ, क्या हाल मिस्टर पांचाल। और साथ में जब मुझे ये कॉमेडी रियलिटी शो करने का मुझे ऑफर आया, तो आई वाज लाइक, आई वाज, पहले तो मुझे बहुत, जैसे होता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक वो था, क्योंकि कभी लाइव शो करने का मौका कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, उस चीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं था। बट क्योंकि मैंने दिल्ली में थिएटर किया है, सो आई थॉट लेट्स गो अहेड विद इट, एंड राइट नाउ आई एम ऑन Cloud 9, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कॉमेडी शो। क्या लग रही है? ओके, वेल एक्चुअली लेट्स डू इट दिस वे, कि ये मेरी अपनी लुक है, तो मुझे किसी और की तरह नहीं लगना। लेट इट बी ओजस्वी अरोड़ा ओनली, मे बी दिस इज माई पहचान। एंड जो शो मैं कर रही हूँ, क्या मिस्टर पांचाल, जिसमें मैं परी का किरदार निभा रही हूँ, उसमें भी मेरी यही लुक है। एंड आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं कभी बिना फ्रिंज के कहीं जाऊँ, तो इतनी पहचान मेरी, लाइक मे बी पीपल वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज मी, जितना वो फ्रिंज के साथ करते हैं। सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम जब कॉमेडी शो करते हैं तो हम रीटेक्स ले सकते हैं। अगर हमें लगा कि हमें कोई लाइन पंच क्लियर नहीं हुआ है, तो वी कैन स्टिल टेक अनदर टेक, कि नहीं नहीं एक और करते हैं। बट यहाँ स्टेज है, एक तरीके से लाइव है, देर आर नो रीटेक्स, इसलिए आपने जैसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरी टीम में पारितोष त्रिपाठी हैं, जो TRP मामा के नाम से जाने जाते हैं, और अनीता हसनंदानी है, यानी नागिन। सो वी थ्री आर लाइक अ हाउस ऑन फायर, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। इनफैक्ट हम जब रीडिंग्स करते हैं, तब भी हम लोग इतना हंसते हैं, अलग अलग पंच बना के, अलग अलग स्टोरीज बना के। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड दीज टू आर वंडरफुल पीपल टू वर्क विद, क्योंकि जहाँ तक पारितोष की बात है, उन्होंने स्टेज और लाइव ये सब संभाला है, तो हमारे लिए बहुत सपोर्ट होता है कि अगर कुछ बाई चांस गुप अप हो गया, या कोई चीज़ नहीं सही तरीके से आई, तो ही विल बी एबल टू कवर इट अप। एंड एज फार एज अनीता इज़ कंसर्न, अनीता इज़ अ सीनियर, वो मतलब उनको तो मैंने, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज फार एज प्रोफेशनलिज्म इज़ कंसर्न, एंड हाउ टू टैकल थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट, सो इट्स वंडरफुल एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। मैं कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे परी के रूप में दिया है, मैं चाहती हूँ कि उतना ही प्यार आप मुझे इस नए शो के लिए दें, कॉमेडी सर्कस के लिए। सो प्लीज़ वॉच कॉमेडी सर्कस। थैंक यू, थैंक यू। अरे कॉमेडी सर्कस में कौन सी चीज
अरे ताला ये है चाबी, हाँ समझ गए। ये जो आपका जो ह्यूमर है ना, आप ज्वाइन करोगे हमें? यार कॉमेडी में वही है कि अलग अलग अभी तक स्पेसेस एक्सप्लोर किए हैं, रेडियो एक्सप्लोर करा है, फिल्म्स थोड़ी बहुत एक्सप्लोर किए हैं, डिजिटल एक्सप्लोर किया है। अब वो टाइम है जब टीवी को एक्सप्लोर किया जाए, सेकंड शो है तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स क्रिएट करना है, समझ रहे? अभी तक का शूट हमने 7-8 एपिसोड शूट कर लिए, इंटरेस्टिंग रहा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि नए नए कैरेक्टर्स क्रिएट करने, क्योंकि हम वैसे ही गंदे दिखते हैं तो हमें एक्सेप्ट करने के लिए कैरेक्टर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है पर चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बार एक नया कैरेक्टर क्रिएट करना, क्योंकि आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते जो भी आप कैरेक्टर बना रहे हो, उस कैरेक्टर को क्रिएट करना और ऐसा बनाना कि वो लवेबल रहे, मतलब आपको नहीं लगे क्या कर रहा है, उससे प्यार हो। सो वो एक चैलेंज है जिसको अभी तक सॉल्व करने की कोशिश। मेरे साथ सना सईद है, गौरव है, ओके मेरे साथ सना सईद है, गौरव है, गौरव खुद एक राइटर रहा है, और सना सईद को हम लोग बोलते हैं कि हमारी टेक टॉक है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई स्किट थोड़ा ठीक नहीं होता तो उसके बाद आएगी और क्या कर रहे हो, तो क्या हो गया, ख़राब हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। सो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर का काम है वो हमारे साथ सना सईद ज़्यादा कर रही है। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दिस गर्ल यार, बहुत फील आ रही है। क्यूटी पाई शर्मा था जो उससे पहले टीवी पर था, दूसरे चैनल पर था, और डिजिटल कैरेक्टर एक मफलर मैन था जो केजरीवाल जी का स्पूफ था। यहाँ पर भी रोज़ हर रोज़ नए कैरेक्टर्स क्रिएट होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर जिसके साथ हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। वो कैरेक्टर्स जिनसे अब तक की बातचीत हुई थी, अब तक देखा है मैंने अपनी लाइफ में, कोशिश करूँगा कि उन्हीं को लेकर आऊँ और पीपल फॉल इन लव विद देम। देखो भाई टीवी शो और क्या देखो और बताओ हाउ यू लाइकिंग इट, क्योंकि हम सबके लिए नया प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है जिसको अब तक हम लोग देख कर बड़े हुए स्कूल और टीवी के स्कूल और कॉलेज के टाइम से। सो आई जस्ट होप वी डू जस्टिस टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटमेंट है, यू नो इट्स अ शो दैट एवरीबडी हैज़ लिटरली ग्रोन अप टू। मैंने भी यू नो ऑलमोस्ट हर सीजन देखा है, इट्स अ शो फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ फन। हेक्टिक डे के बाद यू नीड अ शो यू नो वे विच मेक्स यू स्माइल। सो आई एम रियली प्राउड, आई एम रियली ग्लैड कि मैं कॉमेडी सर्कस का हिस्सा हूँ, एंड आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, दे रियली गोना एंजॉय। Well, comedy, so comedy I've done with Opti, I've done 2 shows, and comedy is something which not necessarily comes naturally to me, but dheere dheere I'm getting better, you know, script padhte padhte thoda sa sense of humor, you know, real life mein bhi aa jata hai. So it's, I'm learning with every single day, every single episode, and I've just realized that it's a area which I really enjoy. I really enjoy doing comedy. I think Paritosh and me and Ojasvi, we are like first episode se hi we had like a really strong bond. Tino hi professional hai, tino hi you know like apna part dil se karte hain, and Paritosh is amazing, great timing, wo har act ko he holds it and hame bhi wo sambhalta hai. It's a great team. Kai acts in fact aise mein, because I'm shooting for Nagin and ye hai Mohabbatein, zyada rehearsal nahi kar payi hu, बट उनके साथ बिना रिहर्सल करे भी अगर स्टेज पे चले जाओ सब कुछ संभाल लेते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक है बट आई नो इट्स अ फेज एंड मैं उसका पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ, आई एम इन्जॉइंग इट। पता नहीं 3 different चैनल, 3 different जॉनर्स, 3 different शोज, इट्स अमेजिंग, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये फेज एट सम पॉइंट आता है। मेरे लाइफ में अभी आया एंड आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, आई एम इन्जॉइंग इट।
मैं बिल्कुल भी क्रिप नहीं करती कि अरे यार यहाँ से अभी वहाँ जाना है, वहाँ से अभी. आई रियली इन्जॉय इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग लाइक दिस ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे. सोहेल एंड अर्चना अमेजिंग. बीच में इनफैक्ट हमने एक एपिसोड शूट किया जहाँ अर्चना जी को फ्लाइट लेनी थी, सो शी लेफ्ट अर्ली. वी वर मिसिंग हर सो मच. उनकी हंसी की, वो जैसे हंसती हैं, वो जैसे कमेंट्स देती हैं, उसकी कितनी आदत हो गई है हमें कि ऑलरेडी हमें ऐसे लग रहा था कि कुछ तो कमी है आज. सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फैमिली, डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्ड जो आपको और बेटर करने के लिए पुश करते हैं. आई थिंक सोहेल इज़ लवली, आई लव हिम. मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की है. आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड ही इज़ रियली, यू नो, बोथ ऑफ देम आर रियली सपोर्टिव एंड पुश करते हैं टू डू बेटर. सो दे लव ही. मुझे नहीं रहेगा बट हाँ, आई डोंट थिंक किसी भी शो के लिए यू सपोज टू टेक प्रेशर, यू सपोज टू गिव योर 100%. हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 10 का दम को भी बीट करें एंड इंशाल्लाह होपफुली वी विल मैनेज दैट, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बट वी आर ऑल रियली वर्किंग आउट. हम अपना 100% दे रहे हैं. सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? हाँ, सो अदिति इज ऑल्सो इन द शो, तो इट्स रियली नाइस क्योंकि माँ बेटी की जोड़ी वहाँ पर भी है. शी इज़ रियली क्यूट एंड बहुत हम इन्जॉय करते हैं. ये है मोहब्बतें में सीरियस सीन करके यहाँ पर एक्चुअली यू नो मिलके हंसना. कॉमेडी शो एक ऐसा यू नो एक मंच है जहाँ पर आप इन्जॉय करते हो. इट डजंट रियली फील लाइक वर्क, इट फील्स मोर लाइक फन एंड लेस लाइक वर्क. मैं बस ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि कॉमेडी सर्कस 5 साल बाद आ रहा है. कॉमेडी सर्किट से कई अच्छे कलाकार जैसे कपिल, भारती, सुदेश, कृष्णा उभरे हैं एंड वी अश्योर यू कि इस सीज़न के साथ ही अ ग्रेट टैलेंट इज़ गोना कम आउट. ऑल ऑफ देम आर फैंटास्टिक एंड डेफिनेटली वॉच इट. आप खूब हंसेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, यू नो यू विल स्लीप विद अ स्माइल ऑन योर फेस. सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक, दे मेड योर वीकेंड एंड इंजॉय कॉमेडी सर्किट इन सोनी टीवी. थैंक यू. हाँ, उसमें आना है, ऑपरेट स्क्रीन में आना है. ये लिखा नहीं है उसमें, लिखा नहीं है क्या? हाँ, उसमें आना है, ऑपरेट स्क्रीन में आना है. ये लिखा नहीं है उसमें, लिखा नहीं है क्या? फॉर यू टू क्लिक मी, जस्ट वन मेमोरी के लिए, एक दो पास. यहाँ लुक आपसे बात कर, आई थिंक कॉमेडी सर्कस ऐसा शो है जिसमें प्रेशर नहीं है और बहुत ही दिल से करीब वाला शो था, बिकॉज हमने 2008 में जब चालू किया था तब से लेकर 2014 जब हमने ब्रेक लिया, आई थिंक कॉमेडी सर्कस सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है और मिल्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में इसकी एंट्री रही है और हमेशा मज़ेदार शो रहा है. और जब कॉमेडी सर्कस वापस लाने का सोचा तो आई थिंक इट्स अ मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर एवरी वन, बिकॉज हम सोचते थे कि ये राइट गैप है दो सीज़न के बीच में जो 4 साल का, तो कॉमेडी सर्कस वापस लेके आना चाहिए. आई थिंक कॉमेडी सर्कस ने हमेशा नई नई टैलेंट को दिया है. आप इनिशियली देखिए VIP, स्वप्निल, कपिल, भारती, सुदेश, कृष्णा, सब नई टैलेंट लेके आए थे. इस बार भी उसी टक्कर की बहुत नई नई टैलेंट्स है एंड मुझे बहुत यकीन है कि लोग उसको सराहेंगे और मज़े लेंगे. जी ज़रूर ज़रूर, बिकॉज कॉमेडी सर्कस ना एक तो ब्रांड बन गई है, प्लस कॉमेडी सर्कस का मज़ा ये है कि आपको स्ट्रेस फ्री एक फॉर्मेट ऐसी है कि हर लाइन पे पंच है, हर जगह पे जोक है, तो जो हंसना चाहते हैं, जो कॉमेडी पसंद करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है. एंड अगर ये 10 का दम था तो ये 20 का दम है, ऐसा मुझे लग रहा है. ऑडियंस को फाइनली ये देना चाहेंगे कि भाई कॉमेडी सर्कस देखिएगा. अर्चना जो फेफड़ा फाड़ के हंसती वो भी है, सोहेल है और बहुत प्यारी नई नई टैलेंट है. आज भी हम लोगों को पैसा नहीं देते,
और आज भी अर्चना मर्दी है, प्लीज देखिएगा जरूर। थैंक यू, थैंक यू। आपको कैसे लगेगा अगर आपको हंसने के लिए पैसे मिले? अच्छा लगेगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जाता हूँ हफ्ते में एक बार और दिल खोल के हंसता हूँ। थोड़ा गैप हो गया था 4 साल का, पता नहीं क्यों हुआ था, तो लेकिन वापस आ गया कॉमेडी सर्कस और नए टैलेंट के साथ, नए लोगों के साथ। जब मैं इनको देखता हूँ परफॉर्म करते हुए, तो एक्चुअली मुझे एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटर, मुझे एक जलन होती है क्या काश मैं इनकी तरह होता। द एक्सट्रीमली टैलेंटेड राइटर्स, द स्टैंड अप कॉमेडियंस, द आर्टिस्ट, द टीम, आई फील एनवीड व्हेन आई गो देयर। तो मुझे तो खुशी है। इनफैक्ट सालों के बाद जब मैंने एक फिर से कॉमेडी बनाई थी फ्रीकियली, तो कॉमेडी सर्कस से इन्फ्लुएंस होकर ही बनाई थी, बिकॉज आई टू एंजॉय माई सेल्फ सो मच आई हैड मिसिंग कॉमेडी। और जो भी मैंने सीखा था, जो भी मैंने उस राइटिंग से, उस उन परफॉर्मेंस से जो मैंने ग्रास किया था, मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा करूं। सो अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, वो इट्स थैंक्स टू कॉमेडी सर्कस। कितना शूट हुआ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कितना आपने एंजॉय किया? मैं हूँ कॉमेडी सर्कस से एसोसिएटेड काफ़ी सालों से, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने जो गैप लिया था और जो रिवैम्प सब कुछ हुआ है, वो बेटर के लिए हुआ है। एंड जो मैंने करीबन अभी तक 4 या 5 हफ्ते इनके साथ काम किया हुआ है, एंड करीबन 8 एपिसोड शूट हुए हैं। जब वो दिन आता है कॉमेडी सर्कस के लिए आके शूट करना, तो मुझे खुशी होती है। मैं ये नहीं कहता क्या काम के बारे में मैं कंप्लेन करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है क्या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, या आप छुट्टी के लिए चले जाओ। कॉमेडी सर्कस एक ऐसा काम है कि मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करता, मैं इंजॉय करता हूँ और मैं अपने काम को इंजॉय करता हूँ, तो उससे बेहतरीन चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। नहीं, यह एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने कॉमेडी सर्कस के लिए शूट किया, फिर उन्होंने 1-2 हफ्ते आई थिंक बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीज़न उन्होंने बोला कि हम कुछ हफ्तों के लिए शूट नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ कोई कंटिन्यूटी वंटिन्यू है नहीं कोई, तो मैंने बोला क्या अभी कुछ आगे बढ़ गया होगा, तो मैंने शेव कर दिया। गर्मी वर्मी थी तो ऐसे ही शेव कर दिया। जिस दिन मैंने शेव किया, उनका फ़ोन आ गया कि 2 हफ्ते के बाद शूटेंगे। तो मैंने उनको पहले ही पूछा कि भाई मेरा लुक देख लो, हाँ अगर निकालना है तो अभी निकाल दो, सेट पे मत निकालना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आ जाओ। सो नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, खाली गर्मी लग रही थी तो निकाल दिया। स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और हमने ये ब्रांड शुरू किया है द बैंक शोज, तो ये पूरा साल उसी में निकल जाएगा। ठीक है, हर करीबन 3-4 हफ्ते के अंदर एक शो है मेजर सिटी पे या ओवरसीज़,
तो वही पूरा वक्त ले लेता है। एंड सलमान भाई भी अभी बिजी है और मेरा भी करीबन जून जुलाई तक मैं उसी में बिज़ी रहूँगा। तो इस दौरान मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ अपना टाइम जो है स्क्रिप्टिंग के लिए। तो इंशाल्लाह जो भी शुरू होगा अभी वो क्वार्टर लास्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाना चाहिए। कॉम्पिटिशन तो अरे तू कहाँ है, तू कहाँ सोहेल खान सलमान खान को कंपेयर कर रहा है? नहीं नहीं, आई विश क्या मैं जेन्युइनली बिकॉज मेरी पैदाइश इस इंडस्ट्री में हुई है, आई बिलीव एवरी कॉम्पिटिशन इज़ हेल्दी, वो सबको अच्छा काम करवाती है। वो तो मेरे भाई है तो मैं चाहूँगा कि मैं दिल से नो 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 दैट्स वेरी डिफिकल्ट। अरे बहुत सुंदर, मतलब अगर आज मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो वह अर्चना, शी इज़ गॉन टू विजिट हर सन टू द US। मैं उसके साथ इतना वक्त गुजारता हूँ आची के साथ, हम लोग इनफैक्ट जब हमें ब्रेक भी मिलता है तो हम बैठ के बात करते हैं और वो अपने फैमिली के बारे में बात करती है, मैं अपने फैमिली के बारे में बात करता हूँ। यू नो शी इज़ वन लेडी हु आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद बिकॉज वो जिसको बोलते हैं ना कि जो भी कॉमेडी सर्कस इम्प्रेशन देता है उसके बारे में क्या, वो एक्चुअली शी इज़ वो माँ बीवी जिसको बोलते हैं ना क्या वो, तो आई सिट एंड आई चैट विद हर अलॉट, सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। और कॉमेडी सर्कस जो है वो मेरे बगैर या किसी की ज़रूरत नहीं है कॉमेडी सर्कस को as an artist or as an anchor, but I genuinely believe that comedy circus cannot happen without Archana. And Swanji, Navratri bhi aari hai, ji. October ko release hai, aapka cabin hai. Aap batai ki, aap Navratri ke liye kitne excited hai, Ayush and jo Marina, trainer, aap matlab sab kuch aapke ghar ka hi hai, to aap kuch batai. 5th October ko aari hai, aur haan ji, hamara, mera aur Arbaaz bhai ka hi thoda cameo hai. एक्चुअली मैं फिल्म देखने से थोड़ा कतरा रहा था क्योंकि फैमिली की फिल्म है, आयुष है मेरी फेवरेट, अर्पिता का हस्बैंड है, और तो मैंने अर्पिता ने कहा नो कम वॉच द फिल्म भाई, तो ऐसा किया तो मैं जाके फिल्म देखी और मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज़ अगर थोड़ा बहुत भी अगर मुझे थोड़ा डर महसूस होता कि मैं कैसे कुछ बोलूँ, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे वही लगा कि ये मेहनत रंग लाई है। उस लड़के ने उसको अपॉर्चुनिटी मिली सलमान खान प्रोडक्शन में, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी आर्टिस्ट को मिलती है, लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी का वो अगर रिस्पेक्ट ना करे, अगर उसका सही मौका नहीं उठाए, तो वो एक दो फिल्मों के बाद वो डायल्यूट हो जाती है। आपको एक लॉन्च मिल सकता है, आपको एक अच्छा पैड मिल सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? आयुष ने बहुत मेहनत की और तो मुझे लगता है कि वही जो है उसको स्ट्रॉन्ग और उसको सेटल करेगी। तो जब मैंने फिल्म देखी मुझे लगता है क्या ऐसे यार ये थोड़ा प्रेशर में होगा, फैमिली है कुछ, वो पैनिक में कुछ वो जुगाड़ करने की कोशिश करेगा। अगर आप फिल्म देखोगे तो इतना ईजी रिलैक्स फिल्म के अंदर, वही मुझे पसंद आया कि ही इज़ अ ब्रीज इन द फिल्म। आप जब ढाई घंटे की फिल्म देखोगे आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी आयुष की वजह से, फिल्म की वजह से। बहुत प्यारी फिल्म है और आप तो जानते हो कि जो हमारा सेंसरशिप है वो घर से शुरू होता है, तो क्योंकि हम फैमिली फिल्म देखते हैं, बच्चे हैं, मतलब आयल है और अयान है, तो एक पूरी कैटेगरी है एजेस की, तो हम सब साथ में फिल्म देखते हैं। तो अगर हम सबको पसंद आती है, या देखो फिल्म बॉक्स ऑफिस में क्या करती है वो दूसरी बात है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एज फैमिली प्रोडक्शंस, अतुल की प्रोडक्शन हो या अर्पिता की हो या अरबाज भाई की हो, हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्शन से जो फिल्म निकले वो पूरी फैमिली के लिए निकले। यू नो इट शुड बी अ यूनिवर्सल फिल्म। कुछ एक ऐसा लगा कि कोर्ट का ऑर्डर आया, सब हम
आपने देखिए, आप बताइए कि क्या जो ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि तो रिलीज नहीं हो रही, क्या ऐसा होना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, मैंने फिल्म देखी है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत प्यारी फिल्म है और मुझे लगता है कि जो भी फिल्म देखेगा, हाँ वो यही उसकी सोच यही होगी कि बहुत प्यारी फिल्म है, सुंदर फिल्म है और इनिसेंट प्योर लव स्टोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्म देखें, मैं चाहता हूँ कि जिनका भी जो भी कंसर्न है, थोड़ा कंसर्न है, वो अपने हैसियत से सही भी होंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली टेक्निकल नहीं जानता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने फिल्म देखी है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी फिल्म है, प्योर एक इनिसेंट प्योर लव स्टोरी है और जो भी देखेगा मुझे लगता है कि उसको जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो सब मिट जाएंगे। ओ नो यार, हम लोग तो वही डिस्कस कर रहे थे क्या हमको फिल्मों के डायलॉग याद होते हैं, क्योंकि वो बहुत कम होते फिल्म के अंदर। कॉमेडी सर्किस का ये प्रॉब्लम है क्या, इतने पंचेज होते हैं, इतने एक्ट्स होते हैं और क्या कुछ बाय द एंड ऑफ इट एक एक्ट के बाद भी कुछ याद नहीं रहता। सो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मी एंड आर्ची कीप ऑन कमेंटिंग दैट समटाइम्स वी जस्ट फील दैट कॉमेडी सर्किस इज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इतनी अच्छी लिखाई होती है कि आप सिर्फ आप अमेज हो जाते हो। हम सालों काम करते हैं सीन्स के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर, या हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिले और ये लोग जो है हर हफ्ते कमाल करते हैं। या भाई हम लोग यहाँ कॉमेडी सर्किस की बात करने आए। थैंक यू थैंक यू।